अगले कॉलर हैं मंगल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? किंग साहब जी नमस्कार। भाई साहब जय हिंद, स्वागतम, बताइए क्या सेवा है मंगल जी। सर जी ये जो आप बताते हैं सपिस्तान लिसोड़ा, ये लिसोड़ा और सपिस्तान इसका रोल एक ही है क्या, अलग अलग है? हाँ ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसमें कोई भी एक। अच्छा एक और लिसोड़ा की तो गिटके गुस्सी बहुत ज्यादा निकलती है लिसोड़ा की तो। हाँ लिसोड़ा ऐसा भी आता है जो गुठली निकाल के फेंक दीजिए आप और उसके ऊपर जो कवर सा चढ़ा रहता है वो इस्तेमाल होता है। और क्या सवाल है आपका मंगल जी, और कोई सवाल है आपका? एक एक मैडम जी ये जो औरतों के बाहर पड़ता मतलब है योनि में उसके लिए मतलब है कौन सा नुस्खा जी? नहीं समझ में आया है सर, दोबारा से। एक औरत के बाहर पड़ता है ना, बाहर योनि में बाहर पड़ता मतलब है जैसे प्लासेंटा बोलते हैं। परेशानी क्या होती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है? औरत के बाहर पड़ता वो बच्चे तो बाहर आ जाती है ना। अच्छा अच्छा जी, अच्छा ठीक है। वीडियो आपके किचन में धनिया है 100 ग्राम लीजिए, अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम। धनिया, अलसी, आंवला 100-100 ग्राम और इसमें 50 ग्राम बड़ी इलायची जो काली इलायची कहलाते हैं, 50 ग्राम बड़ी इलायची और इन सबको पाउडर बनाइए। और एक आता है चिलगोजे का गौन, चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट होता है, आप सर्च करेंगे चिलगोजे का गौन, सर्च करें यूट्यूब पर और चिलगोजे का गौन, ये 100 ग्राम खरीद लें और इसका अलग से पाउडर बना के रखें। और आधा ग्राम चिलगोजे का गौन और ये जो पाउडर मैंने आपसे बनवाया ये 1 चम्मच रोजाना रात को सोते समय पानी से या दूध के साथ इन्हें दिया करें, एक ही टाइम आपकी ये मरीज़ा का ठीक होना मुमकिन है।